बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान द्वारा मुलायम सिंह यादव और नेता रामगोपाल यादव के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में उबाल आ गया है। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मिला और आरोपी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। कमाल अख्तर ने कहा कि अगर 30 जून तक आरोपी चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेगी। कमाल अख्तर ने यह भी बताया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आरोपी अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ जांच पूरी होने तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों पर रोक लगा दी है। उन्होंने जिस तरह का व्यवहार वहां के किसानों के साथ किया, मैं समझ सकता हूं कि तुरंत सरकार को उसके अंदर एक्शन लेके उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग एक अधिकारी कर रहा है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम DM साहब से मिले हैं और DM साहब ने उस पर इतना कार्रवाई भी की है कि जब तक उनकी जाँच चल रही है जब तक कोई नीतिगत फैसले वो नहीं करेंगे, और जांच के उपरांत जो भी अगर उसके अंदर वो जो उन्होंने एक झूठ तथ्य सामने रखा है कि वीडियो के साथ एडिटिंग की गई है, वहां जितने भी लोग थे वो गरीब किसान थे। और सिद्धार्थ